चलिए बेटा, आप सब लोग अच्छे हैं एकदम। आज की क्लास में हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स यानी कि कंटिन्यूटी में जो पैसे निकाले जाते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट मेथड और एक दो और पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, और लास्ट क्लास में जैसा कि आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, अनसॉल्व क्वेश्चंस। हाँ, कुछ बच्चों ने सॉल्व किए थे, कुछ ने नहीं किए। चलिए, जिन्होंने सॉल्व किए और मुझे आंसर सेंड किए उन बच्चों के मैं नाम बता देता हूँ। कृतिन, वंशिका, यशवी, विशाखा, तेशव, निधि, अंजलि, विजय, गरिमा, ये सब बच्चों ने जो मुझे आंसर्स भेजे एकदम सही थे। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों के आंसर्स मुझे मिले, लेकिन सारे बच्चों का नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। जिन बच्चों ने सबसे फर्स्ट आंसर्स सेंड किए मुझे और जो सही थे एकदम, उन बच्चों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आज की क्लास में भी बेटा हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस आज भी मैं आपको दूंगा जिनके आंसर्स आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मुझे सही आंसर सेंड करेंगे और जल्दी आंसर सेंड करेंगे उनका नाम मैं अनाउंस कर दूंगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम लोग आज फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा था कि पार्टनर अगर 3-4 बार ड्राइंग करता है तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर पार्टनर 1 साल में 12 बार ड्राइंग कर रहा है या कंटिन्यूअसली ड्राइंग कर रहा है तो उस केस में उन सारी ड्राइंग्स के ऊपर हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है। तो ये देखिए, रेगुलर ड्राइंग, विड्रॉवल ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवेल्स। लेट से पार्टनर्स इन टू विड्रोज ₹5,000 पर मंथ ऑन ए फिक्स डे। यानी कि रेगुलर ड्रॉइंग्स का मतलब है विड्रॉवल ऑफ सेम अमाउंट, एक जैसा अमाउंट, यानी कि इनटू ₹5,000, नेक्स्ट टाइम भी 5,000, हर बार जब भी पैसे निकालेगा ₹5,000 निकालेगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी ₹5,000 अगर आज निकाले नेक्स्ट टाइम वापस निकालेगा और फिर उसके बाद फिर वापस निकालेगा, उनके बीच का जो इंटरवल होगा वो सेम होना चाहिए, तब हम उसको बोल सकते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स, कंजेक्यूटिव ड्रॉइंग्स। रेगुलर ड्रॉइंग्स में भी मंथली, क्वार्टरली, वीकली, यानी कि एक फिक्स टाइम से मंथली, क्वार्टरली, वीकली कैसे भी रेगुलर ड्रॉइंग्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए ड्रू ₹4,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिस्टर बी ड्रू ₹5,000 इन मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिस्टर सी ड्रू ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिस्टर डी ड्रू ₹1,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एवरी वीक, हर सप्ताह के अंदर वो रुपए निकालता है। तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया कि रेगुलर ड्रॉइंग्स क्या होती है, यानी कि कंटिन्यूटी के अंदर पार्टनर ड्रॉइंग कर रहा है, आज पैसे निकाले उसके बाद फिर एक फिक्स टाइम, सपोज 1 महीने के बाद फिर पैसे निकालेगा, उसके ठीक 1 महीने बाद फिर पैसे निकालेगा। यानी कि जो रेगुलर ड्रॉइंग है वो, अगर मैं आपको सीधा सीधा सिंपली समझाऊं तो रेगुलर ड्रॉइंग ये है, देखिए यहां पे पैसे विड्रॉ किए फिर एक फिक्स टाइम 1 महीने का, उसके बाद फिर पैसे, ये कंटिन्यूअस में पैसे निकले जा रहे हैं, यानी कि इनके बीच में एक एक महीने का गैप है और कंटिन्यूअसली पार्टनर पैसे निकाल रहा है पूरे साल के दौरान, उसी को हम बोलते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। कंजेक्यूटिव ड्रॉइंग्स भी इनको बोला जाता है, यानी कि जो ड्रॉइंग्स कंटिन्यूटी में की जाती है और सेम अमाउंट की जाती है। दो चीजें होती है, सेम अमाउंट एंड सेम इंटरवेल, टाइम इंटरवेल भी सेम होता है, उसे हम बोलते हैं रेगुलर ड्रॉइंग्स। और इन रेगुलर ड्रॉइंग्स के केस में सर, अगर पार्टनर ने मंथली रुपए निकाले, मंथली मान लो ₹4,000 निकाला है, तो साल भर में कितनी बार पैसे निकाले, 12 टाइम्स, तो
तो सर क्या 12 टाइम्स हमें ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा या क्या हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे? तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सुन लीजिए कि आज की क्लास के अंदर हम एक शॉर्टकट ऐसा डेवलप करने वाले हैं। मैं ये शॉर्टकट आपको लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला। हम शॉर्टकट, आप और मैं, हम मिल करके एक ऐसा शॉर्टकट बनाने वाले हैं जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के या फिर और कोई भी इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना हो, जिसके अंदर इस टाइप की ड्रॉइंग, इस टाइप का पैसे का विड्रॉल हो, चाहे लोन की अमाउंट पे कैलकुलेट करना हो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। और हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार के अंदर एक ऐसा शॉर्टकट है हमारे पास जिससे हम सारे ड्रॉइंग्स पे इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में अभी 10 मिनट के लिए आपको ऐसा फोकस करना है। 10 मिनट के अंदर हम कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा के टेक्निकल टू टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए, आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखते हैं। अभी एकदम आराम से मैं इसको एकदम आराम से लेके चल रहा हूं। मैं चाहूं तो इसको 5 मिनट में भी समझा सकता हूं, लेकिन हम इसको 10 मिनट में एकदम आराम से समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन है कि 4,000 रुपए चिंटू ने निकाले सबसे पहले अप्रैल के अंदर। यस, अपना ईयर जो है वो हम ले रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम 1 अप्रैल, एंडिंग ऑन 31 मार्च। ये पूरा 1 साल है। इस दौरान जो हमारा पार्टनर है चिंटू, उसने पैसे कैसे कैसे निकाले हैं? तो अप्रैल के अंदर पैसे निकाले हैं, और फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हम समझ रहे हैं अभी, हर महीने की 1 तारीख को पैसे निकाल लिए जाते हैं। और अमाउंट कितना है? 4,000। उसके बाद में अप्रैल के बाद में बेटा अगली बार पैसे कब निकालेगा चिंटू? मई में निकालेगा। सर मई में भी क्या 1 तारीख को निकालेगा? हाँ जी बिल्कुल, 1 तारीख को पैसे निकालेगा। मई के बाद पैसे कब निकालेगा? जून के अंदर, फिर जुलाई में, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के अंदर किस डेट को पैसे निकालेगा? सर 1 तारीख को। यही तो खास बात है रेगुलर ड्रॉइंग्स की, जब भी पैसे निकालेगा 1 तारीख को निकालेगा। अगर ये मंथ के मिड में निकालता, 15th को निकालता, तो हर बार 15th को। अगर एंड में निकालता तो हर बार एंड को। अभी फिलहाल ये फर्स्ट डे को निकाल रहे हैं, तो हर बार फर्स्ट डे को निकालेगा। और दूसरी खास बात इसकी कि ड्रॉइंग की अमाउंट जो होगी वो 4,000 है, तो वो शुरू से लेके लास्ट तक भी अमाउंट रहेगी आपकी 4,000 ही, कोई चेंज नहीं होना है ड्रॉइंग की अमाउंट के अंदर। और आपको 6% पर एनम से इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहला तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 12 टाइम्स। इस 4,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, इस पे अलग से कैलकुलेट करें, इस पे अलग से कैलकुलेट करें, इस तरह से कुल मिला के 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, और उसके बाद सारों को टोटल कर दें तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन बेटा ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहने वाला है, और इसके अंदर आपका टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा, और गलती होने के, मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 12 टाइम्स आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर उनको टोटल करना है, तो कहीं भी अगर एक जगह मिस्टेक हुई तो आपका पूरा इंटरेस्ट का आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम 12 टाइम्स कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसको कैसे एकदम इजीली, कैसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो अगर मैं इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात करूं, तो रेट तो 6/100, यहां पे कैलकुलेट करूं तो भी 6/100, यहां पे भी तो 6/100, यानी कि इंटरेस्ट की रेट तो आपकी इवनली सेम रहनी है पूरे साल के अंदर, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। जब भी पैसे निकालेगा 6% ही रेट लगनी है। मंथ्स, ये जब आपने पैसे निकाले तो 1 अप्रैल में ही निकाल लिए, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे 11 मंथ्स का, यहाँ 12/12, 11/12, 10/12, यहाँ कम होता जाएगा धीरे धीरे। लास्ट ड्रॉइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 1 महीने का, क्योंकि पैसे निकाले 1 मार्च को, तो 1 मार्च तो सिर्फ मार्च महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं 31 मार्च को, अपना ईयर एंड हो गया है 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं 12 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये आपके पास सिंपल तरीका है, 12 बार इंटरेस्ट निकालिए, उसको जोड़िए, आंसर आ जाएगा। लेकिन
हम लोग इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं वो देखना। सबसे पहले तो ये देखिए कि कुल मिला के कितने पैसे निकाले गए हैं। सबसे पहला जब भी रेगुलर ड्रॉइंग्स हो सबसे पहला काम कुल मिला के कितनी बार पैसे निकले हैं, 12 बार। हर बार अगर 4000 रुपए निकले तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 48,000 रुपीज विड्रॉ हुए हैं टोटल मिलाकर के। ओवरऑल कुल मिलाकर के कितने रुपए विड्रॉ हुए हैं, 48,000। इसको मैं यहां पे ले लेता हूं, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि इन 12 ड्रॉइंग्स पे एक ही साथ एक ही बार मैं सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूं, मैं मुझे 12 बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, तो इन सारों की टोटल कर लेते हैं, यानी ड्रॉइंग्स की टोटल कर लेते हैं। टोटल ड्रॉइंग कितनी होगी, 48,000। मैंने अप्रैल टू मार्च तक की सारी ड्रॉइंग एक साथ ली, 48,000। अच्छा, रेट 6/100, हर ड्रॉइंग के ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट लगाना था, तो यहाँ पे 6% एक साथ हम लोग इंटरेस्ट लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक बेटा। आपको सारी ड्रॉइंग की हमने टोटल कर ली 48,000 और रेट जो है 6% रहनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सर मंथ्स क्या करें, सब जगह डिवाइड 12 करना है क्योंकि रेट पर एनम है और मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 12 करना है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मंथ्स कितने लूं, मंथ्स ही तो है तो सब जगह लगे, बाकी तो देखिए 6% सब जगह लगना था, 4000 सेम था, तो मैंने इसको एक साथ टोटल 48 कर लिया। 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं उसकी बजाय 48,000 पे एक साथ कैलकुलेट कर लेता हूं, 6% कोई दिक्कत नहीं है। अब मंथ्स जो है वो ये प्रॉब्लम है कि सर मंथ्स है वो अगर यहां पे कैलकुलेट करता तो 12 मंथ्स होते, फिर 11 होते, फिर 10, फिर 9, 8, इस तरह से चलता रहता, और लास्ट वाली ड्रॉइंग पे कितने महीने होते, एक महीने होते, तो यानी कि मंथ्स जो है वो हर जगह अलग अलग है। तो यहां पे कितने महीने का इंटरेस्ट मैं लगाऊं, अगर मैं 12 महीने का लगाता हूं तो गलत होगा, 8 महीने का तो भी गलत होगा, 1 महीने का लगाऊं तो भी गलत होगा, क्योंकि इसमें अंदर हर ड्रॉइंग जुड़ी हुई है। इसलिए सबसे मेन पॉइंट ये है, यहां पे समझिएगा, ये सबसे क्रूशियल है कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगाया जाए, क्योंकि अगर ये अलग अलग ड्रॉइंग्स होती तो सारों में अलग अलग मंथ्स होते, लेकिन अब जब सबको मिक्स कर दिया है तो फिर यहां पे मैं सीधा मंथ्स नहीं ले सकता, कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रॉइंग के मंथ्स नहीं ले सकता, यहां पे मुझे लेना पड़ेगा क्या, एवरेज मंथ्स। अगर मैं इनका एवरेज मंथ्स ले लूं तो एवरेज मंथ्स पे वही इंटरेस्ट निकलेगा जो अलग अलग करके निकलने वाला है। तो यहां 12 है, 1 है, इनका एवरेज अगर करना है अपने को, इनकी अगर मैं टोटल करूं सारों की मंथ्स की तो 78 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 12 कर सकते हैं तो मंथ्स आ जाएंगे 6.5। लेकिन एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो आपकी लग सकती है, अगर इनका बीच का इंटरवल सब में इक्वल हो तो आपको सबका एवरेज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फर्स्ट और लास्ट यानी सेंटर पॉइंट ले लीजिए, सेंटर पॉइंट जो होगा उस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वही आपका सही आंसर होगा, और आपको इसको 12 टाइम्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सारों को एवरेज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेंटर पॉइंट पकड़ लीजिए, सेंटर पॉइंट का जो इंटरेस्ट हो रहा है उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट जो ड्रॉइंग है आपकी, फर्स्ट ड्रॉइंग उस पे कितने महीने, 12 मंथ्स, और जो आपकी लास्ट ड्रॉइंग है उस पे कितने महीने, 1 मंथ, एवरेज आपका आ गया 6.5। फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ दो ही ड्रॉइंग को ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट उसका एवरेज कितना आएगा, 6.5। बीच की ड्रॉइंग्स आप कंसीडर करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एंड लास्ट का जो एवरेज आएगा वही सेंटर पॉइंट होगा, और उस सेंटर पॉइंट पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो तो वो आपका टोटल ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट हमेशा सही कैलकुलेट होगा। आप इसको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करके भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी इंटरेस्ट अपने कैलकुलेट करेंगे कितने महीने का, 6.5। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर मैं 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करता तो ये 4000 होता तो ठीक था, ये 4000 होता तो 1 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन मैंने इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया है 48,000, इसलिए मुझे इंटरेस्ट लेना पड़ेगा मंथ्स, एवरेज मंथ्स के ऊपर, और एवरेज मंथ्स हो गए फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, एवरेज मंथ्स विल बी फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज, जो कि अपना आ रहा है 6.5। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आपका आ गया
1560 1560 रुपए का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो गया है इस ड्रॉइंग्स के लिए। और एवरेज मंथ्स आपने समझा, एवरेज मंथ्स क्या होते हैं, मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू, ये आपका एवरेज मंथ्स होते हैं। एवरेज मंथ्स इक्वल टू मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स ऑफ फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कर लीजिए, सीधा सही आंसर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? अगर ये क्लियर हुआ तो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चा, अगर ये 1 अप्रैल की जगह अगर यहां पे 15 अप्रैल हो जाता तो, सर ये 15 अप्रैल होता तो, यानी कि मिड में हर महीने की 15 तारीख को अगर पैसे निकाले जाते तो फिर सर ब्याज कैसे कैलकुलेट होता? तो बेटा अगर 15 तारीख यहां पे होती तो हर जगह भी 15 हो जाती, 15th लास्ट ड्रॉइंग भी कब होती, 15 मार्च को, तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 तारीख भी एक साल में कितनी बार आएगी, 12 बार, यानी कि टोटल अमाउंट जो रहेगा ड्रॉइंग का वो कितना रहेगा, 48,000। रेट 6% है, 6/100 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज मंथ्स यानी कि कितने महीने का ब्याज लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर 15 अप्रैल को पैसे निकाले जाते हैं तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 11.5। 1 अप्रैल को निकाले तो 12 मंथ्स, तो 15 अप्रैल यानी 1.5 मंथ्स कम हो गया, 11.5। मार्च में 15 मार्च को अगर निकाले पैसे तो कितना हो गया, 0.5। एवरेज क्या हो जाएगा इन दोनों का, 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 इक्वल टू 6। यानी कि अगर मैं यहां पे 15 मिड ऑफ द डे अगर ड्रॉइंग करें उसका अगर ब्याज लगाना चाहता हूं तो केवल मुझे चेंज क्या करना है, एवरेज मंथ्स चेंज होने हैं और कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि टोटल अमाउंट सेम है, रेट सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा, एवरेज मंथ्स में। तो यानी कि क्वेश्चन में चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, वीकली हो, डेली हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब भी रेगुलर ड्रॉइंग्स हो तो उस पे ब्याज कैलकुलेट करना है तो उसका एकदम सिंपल सा शॉर्टकट आप लोग देख लीजिए कि ये जो आपने अभी डिराइव किया है शॉर्टकट, हमने खुद ने डिराइव किया है कि IOD इक्वल टू, एक तो बेटा ये होता है कि शॉर्टकट हम लोग पहले देख लेते हैं, हमें फॉर्मूला रट लेते हैं, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट हमारे सामने है, फॉर्मूला हमारे सामने है, उसको हमने सॉल्व किया। और एक तरीका होता है कि हमने खुद ने पहले उसको सॉल्व किया, यहां पे हमने कोई फॉर्मूला लगाया ही नहीं, बिना फॉर्मूले के लॉजिकल तरीके से जो हम कर सकते थे वो काम हमने किया है। अब हम इसका खुद ये लिख रहे हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं हम लोग खुद, तो ये आपका ज्यादा लॉन्ग टाइम तक आपकी ग्रिप के अंदर रहेगा। और अगर आप शॉर्टकट पहले देखते, ये शॉर्टकट बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट जो आप वहां पे देख करके लर्न करते हो और ये आपने जो खुद ने डेवलप किया है, उन दोनों के अंदर आपका फर्क रहेगा, अभी आपकी ग्रिप बनने वाली है। तो अब देखते हैं कि जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉइंग चाहे कितनी भी बार की है, एक साल में चाहे 50 बार ड्रॉइंग्स की है, रेगुलर ड्रॉइंग होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट एकदम आराम से निकल सकता है। टोटल कर लीजिए ड्रॉइंग का, कुछ नहीं करना आपको। अगर उसने 12 बार ड्रॉइंग की है, कुल मिला के कितनी ड्रॉइंग की है सब पे, एक ही बार में सारों का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके टोटल ड्रॉइंग देख लीजिए, पार्टनर की टोटल ड्रॉइंग कितनी हुई है साल भर की, ये आपसे आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इनटू रेट अपने को पता होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट बाय 100 हम कर लेंगे और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स जो लेने हैं यहां पे, क्योंकि अलग अलग ड्रॉइंग पे हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो कौन सी ड्रॉइंग के मंथ्स लेंगे, किसी भी ड्रॉइंग के मंथ्स नहीं ले सकते, मंथ्स लेने पड़ेंगे हमेशा एवरेज मंथ्स, एवरेज मंथ्स अपॉन 12। एवरेज मंथ्स क्यों लेने पड़ेंगे, एवरेज मंथ्स क्या होते हैं, वही सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि देखिए कभी आपको ड्राइंग पे 12 महीने का हर ड्राइंग आपने अलग अलग डेट को की है, अलग अलग डेट को, कभी अप्रैल में, कभी मई में, कभी जून में,
तो जब आप अलग अलग डेट को ड्रॉइंग कर रहे हो तो मंथ्स आपके हर जगह अलग अलग है, और आप इन सारों को एक साथ एक ही अमाउंट टोटल का इंटरेस्ट एक साथ लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको मंथ्स जो लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे एवरेज मंथ्स। तो एवरेज मंथ्स आपके क्या होंगे, मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू, यानी कि फर्स्ट ड्रॉइंग कब की है, लास्ट ड्रॉइंग कितने महीने है, उन दोनों का एवरेज कर दो, वही आपका हो गया। यानी कि ये सेंटर पॉइंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। और एवरेज मंथ्स आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज एवरेज मंथ्स, एवरेज मंथ्स इक्वल टू मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू। हाँ बच्चे, लास्ट ड्रॉइंग लास्ट डेट को अगर ड्रॉइंग करें, यानी कि यहां पे 30th को अगर ड्रॉइंग करें तो क्या फर्क पड़ना है, लास्ट डेट भी ईयर में कितनी बार आती है, लास्ट डेट भी आपकी 12 टाइम्स आती है। अगर वो मंथली पैसे निकाल रहा है महीने में एक बार, फर्स्ट को निकाले, मिड में निकाले, लास्ट में निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ना, लास्ट डेट भी आपकी आनी है 12 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे टोटल अमाउंट वही रहेगा 48,000, रेट आपकी सेम रहेगी 6/100, बस चेंज होगा तो एवरेज मंथ्स। एवरेज मंथ्स आपका क्या होता है, मुझे फर्स्ट और लास्ट चाहिए, लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, फिर अगर लास्ट डे हर महीने के लास्ट डे में अगर पैसे निकालता है तो पहली ड्रॉइंग होगी 30 अप्रैल को और लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, 31 मार्च को। इस ड्रॉइंग के महीने, इस ड्रॉइंग के महीने निकाल लीजिए, इस पे 11 मंथ्स हो गए, 30th अप्रैल, अप्रैल तो चला गया, मई से लेकर के 11 महीने, मार्च के अंदर तो 0, तो इनका एवरेज आपका हो गया 5.5, यानी कि अगर यहां पे 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दें तो आपका ब्याज निकल जाएगा लास्ट डे ऑफ मंथ के लिए। तो ये हमने देखा, फर्स्ट डे, मिड डे, लास्ट डे, क्लियर हुआ ये सिचुएशंस। अभी जो आपको ये लॉजिक दिया, ये जो आपको फंडा दिया हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फंडा आपका चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, वीकली हो, कोई भी ड्रॉइंग आ जाए, ये अगर आपको समझ आ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये है मेन फॉर्मूला, मेन शॉर्टकट जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो ये है, और एवरेज मंथ्स हम हमेशा ऐसे निकालेंगे, मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्रॉइंग अपॉन टू। अभी देख लेते हैं कैसे और घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको अगर कहे कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ से ड्रॉइंग स्टार्ट की है, यानी 1 अप्रैल को, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और यहां बंद कर दिया, यानी कि कह रहा है कि सिर्फ फर्स्ट 6 महीने के लिए पार्टनर को पैसों की जरूरत थी, वो 4,000 रुपए फर्स्ट 6 मंथ्स तो निकालता रहा, उसके बाद में उसने कर दिया बंद, यानी कि 4,000 यहां, 4,000 यहां, फिर 4,000, फिर 4, फिर 4 और 4, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसने कोई भी ड्रॉइंग नहीं की है, उसको पैसों की जरूरत थी नहीं, उसने विड्रॉ ही नहीं किया पर्सनल यूज के लिए पैसा, तो सिर्फ ड्रॉइंग किया उसने स्टार्टिंग के 6 महीनों में, क्या ये रेगुलर ड्रॉइंग है? हाँ, ये जो 6 ड्रॉइंग की है वो रेगुलर ड्रॉइंग्स है, क्योंकि सेम अमाउंट है और सेम इंटरवल है, लेकिन उसके बाद में कोई ड्रॉइंग नहीं है, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको कब करनी है, 31 मार्च को। अब जिसने बच्चे ने लॉजिकली समझा हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, लेकिन जिसने रट्टा मारने की कोशिश किया उसको दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे एवरेज मंथ्स कैसे कैलकुलेट करूं। तो इन 6 ड्रॉइंग पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इन 6 ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। अभी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई। सर ये टोटल ड्रॉइंग्स हो गई 24,000 रुपए। 4,000 रुपए 6 बार निकाले, 12 बार नहीं निकाले, 6 बार ही पैसे निकले, 4,000 × 6 = 24,000 रुपए टोटल निकले इन 6 की 6 ड्रॉइंग पे। अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करके एक साथ ही कैलकुलेट कर देते हैं, तो 24,000 × रेट हो गई आपकी 6/100, और अब कितने महीने का ब्याज लगा है, तो आपको ये देखना है कि इस पे सबसे पहले कितने महीने हो रहे हैं, 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7, ये आपकी मंथ्स की कैलकुलेशन है, ये मंथ्स आपके हो रहे हैं। उसके बाद में अगर ड्रॉइंग करता तो 6 महीने होते हैं, 5, 4, 3, 2 एक हुए नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 31 मार्च को कर रहे हैं, यानी कि अगर अप्रैल में पैसे निकाले तो 12 महीने का ब्याज देना है, और लास्ट में जो पैसे निकाले 1 सितंबर को तो 7 महीने का ब्याज देना है। तो अपने को तो क्या चाहिए, इन सबका एवरेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट ड्रॉइंग कौन सी है ये पता चलना चाहिए, लास्ट ड्रॉइंग कौन सी है ये पता चलना चाहिए, दोनों का एवरेज हम लोग कर सकते हैं 12 + 7/2, तो ये आपका हो गया 9.5। तो 9.5
एवरेज मंथ्स हो गए आपके डिवाइडेड बाय 12। ये जिसने लॉजिकली किया है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने रटा मारा है कि फर्स्ट डे को करें तो 6.5-6, ये इस टाइप का बुक्स के अंदर नोट्स के अंदर एकदम रट्टा मारने वाले फंडे लिखे हुए होते हैं, वो अगर आपने रट्टे मारे हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आपने लॉजिकली किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एवरेज मंथ्स निकालने का कंसेप्ट, इसका फंडा जो आपको समझ आ गया है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल की जगह उसने जुलाई से ही स्टार्ट किया, तो सबसे पहली ड्रॉइंग की कब होगी, जुलाई में, जिसपे 9 महीने का ब्याज, लास्ट वाली ड्रॉइंग कब है, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कर देंगे। जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां एंड हुआ है, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करना है। अपने को ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, पूरा 12 महीने किया कि नहीं किया, 9 महीने किया, 6 महीने किया, 5 महीने किया, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बस ड्रॉइंग सेम अमाउंट की होनी चाहिए, शॉर्टकट अपना अप्लाई होगा, और एवरेज मंथ्स निकालने के अंदर अपने को ध्यान रखना है। इसको फटाफट से देख लीजिए बच्चों, अपने क्वार्टरली, यस क्वार्टरली ड्रॉइंग भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, आप लोग इसको पहले अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम करते हैं क्वार्टरली ड्रॉइंग्स पे ब्याज कैसे निकालते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए क्वार्टरली ड्रॉइंग्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी सेम जैसे अभी हमने मंथली ड्रॉइंग्स के अंदर कैलकुलेट किया, वैसे ही क्वार्टरली भी इजीली रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार देखिए, डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टर, हर क्वार्टर को 15,000 रुपए में इंटू जो है वो 15,000 पर क्वार्टर ड्रॉइंग कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझिए बेटा, एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अप्रैल, मई और जून। क्वार्टर मींस 3 months पीरियड, 3 महीने के पीरियड को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो पहला क्वार्टर आपका साल का जो होता है वो अप्रैल, मई, जून, उसके बाद आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यानी कि ये आपका एक क्वार्टर, ये दो क्वार्टर, ये तीन क्वार्टर और ये चार क्वार्टर, कुल मिला के एक साल में आपके 4 quarters हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यानी कि पहली चीज तो ये देखिए, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रहने वाली है वो आपकी एकदम सेम रहने वाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू, सारी चाहे कितनी भी बार पैसे निकाले हो, हम लोग जब रेगुलर ड्रॉइंग्स है तो एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। यानी कि हम ले लेंगे टोटल ड्रॉइंग्स, कुल मिला के एक साल में उसने कितनी ड्रॉइंग्स की, वो अपना रहेगा इंटू रेट, आपका कॉमन है रेट अपॉन 100 होना ही है, इंटू एवरेज मंथ्स, मंथ्स आपको लेने हैं एवरेज मंथ्स अपॉन 12। ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे मंथली हो, वीकली हो, क्वार्टरली हो, डेली हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, शॉर्टकट आपका हमेशा सेम रहेगा। तो अभी देखिए, 15,000 रुपए मंथ क्वार्टरली, यानी कि क्वार्टर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि 15,000 रुपए मिंटू ने कितनी बार निकाले, 4 बार, तो टोटल मिला करके कितने पैसे निकाल लिए, 60,000। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, और रेट अपनी 6% है, 6/100 इंटू, अब वही कि एवरेज मंथ्स, यानी कि कितने महीने का ब्याज लगाए, हमने 4 बार ड्रॉइंग किया, चारों को एक साथ जोड़ दिया है, तो उनपे मंथ्स कितने लेने वो इंपॉर्टेंट है, एवरेज मंथ्स। और एवरेज मंथ्स आपको मैंने अभी समझाया था, एवरेज मंथ्स यानी कि फर्स्ट और लास्ट दो ही ड्रॉइंग कंसिडर करते हैं, फर्स्ट और लास्ट, उन दोनों का एवरेज जो आएगा वही आपका सेंटर पॉइंट होगा, उस पे आपका एकदम एग्जैक्ट ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर देखिए, क्वार्टर की फर्स्ट डे, क्वार्टर का फर्स्ट डे अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर है उसमें फर्स्ट डे कौन सा है, 1 अप्रैल, फिर यहां पे 1 जुलाई, यहां पे 1 अक्टूबर और यहां पे 1 जनवरी। अपने को इन चारों क्वार्टर से मतलब नहीं है, चारों का एवरेज करो, चाहे फर्स्ट और लास्ट का करो, सेम ही होना है, इसलिए अपने फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करते हैं। अगर 1 अप्रैल को पैसे निकालता है तो कितने महीने का ब्याज लगेगा, 12 months का, और 1 जनवरी को निकालता है तो 3 months का, एवरेज कितना हो गया, 12 + 3/2, 7.5। क्लियर हुआ पॉइंट, राइट? फर्स्ट अप्रैल को अगर पैसे निकाल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट महीने में, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 1 जनवरी को अगर निकाल रहा है तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एवरेज आपका हो गया 7.5, यानी कि अगर मैं 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दूं तो ये मेरा एग्जैक्टली सही आंसर आ जाएगा, और ये आपका इंटरेस्ट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका इंटरेस्ट आ गया 2,250 रुपए। क्लियर है? हाँ हाँ बच्चों,
अगर मिड में निकाले, क्वार्टर के मिड में निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वार्टर का मिड हो गया, अप्रैल मई जून तो मई के महीना यानी मिड हो गया, कोई चेंज नहीं है, बस 15,000 रुपए ही क्वार्टरली निकाल रहा है, खाली मिड में निकाल रहा है, तो कुल मिला के क्वार्टर तो 4 ही आने, मिड डेट भी 4 आनी है, यानी कि 60,000 टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट आपका 6% रहना है इंटू एवरेज मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, यानी कि चेंज सिर्फ क्या होना है एवरेज मंथ्स, कोई भी सिचुएशन बन जाए आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एवरेज मंथ्स के ऊपर। अगर एवरेज मंथ्स आप सही तरह से कैलकुलेट करते हो, लॉजिकली कैलकुलेट करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एवरेज मंथ्स देखते हैं, मिड के अंदर अगर पैसे निकाल रहा है तो एवरेज मंथ्स कैसे होंगे, यानी कि अप्रैल मई जून, तो क्वार्टर का मिड डे कौन सा है, इन तीन महीने का मिड डे कौन सा है बता सकते हैं आप मेरे को, इन तीन महीनों का मिड डे? हाँ जी बिल्कुल, 15 मई इनका मिड डे होगा और लास्ट ड्रॉइंग का जो है फरवरी का, 15 फरवरी आपका मिड डे होगा। तो यहां से अगर बात करें तो आपका ब्याज लगना है 10.5 मंथ्स का, और यहां से अगर बात करें तो आपका ब्याज लगना है 1.5 मंथ्स का, फरवरी से, फरवरी आधा और मार्च, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा 10.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 यानी कि 6, यानी कि अगर यहां पे मैं 6/12 कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट क्वार्टर के मिड के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह हम क्वार्टर के लास्ट डेट के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है बेटा, ये सबसे आसान, सबसे लॉजिकल और सबसे इंटरेस्टिंग। और सर अगर वीकली ड्रॉइंग्स भी करें तो क्या होगा? बच्चे ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको वीकली का थोड़ा सा बता दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन आपके माइंड में रहने वाला है कि सर वीकली ड्रॉइंग करें तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपके सीबीएसई आरबीएसई एग्जाम्स के अंदर वीकली ड्रॉइंग के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट लॉजिक जुड़ा हुआ है इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक साल के अंदर कितने वीक होते हैं, 52, तो मान लीजिए कि 500 रुपए पर वीक ड्रॉइंग करता है हर वीक के फर्स्ट डे, यानी आज मंडे से स्टार्ट हुआ और अगले मंडे को फिर 500, फिर उसके अगले मंडे को 500, यानी मंडे मंडे जितनी बार भी मंडे आएगा 500 रुपए ये पार्टनर विड्रॉ कर लेता है, तो एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, 500 रुपए अगर निकालेगा तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी, 26,000। ये बिल्कुल बेटा इसी शॉर्टकट से, मैं आप कोई भी सिचुएशन दे दो इसी शॉर्टकट से सोल्व करके आपको दिखा सकता हूं। 26,000 इंटू रेट आपकी 6/100 इंटू, बस यहां पे फिर वही है कि एवरेज मंथ्स की जगह लेना पड़ेगा एवरेज वीक्स, कितने वीक्स का ब्याज लगाऊं, तो वही फर्स्ट और लास्ट। जब उसने पहला 1 अप्रैल को, मान लो मंडे था, तो 1 अप्रैल को ही जब पैसे निकाल दिए तो कितने वीक का ब्याज लगाओगे, 12 मंथ्स का नहीं, 52 वीक्स का ब्याज लगेंगे उसके ऊपर। और जब उसने लास्ट में पैसे निकालेगा, लास्ट में पैसे यानी 24-25 मार्च के आसपास, लास्ट वीक आपका कौन सा होता है, ईयर का लास्ट वीक कौन सा होता है, 25 से 31, तो उस जो वो वीक है उस वीक के अंदर आपने फर्स्ट डे निकाला है तो कितने वीक का ब्याज लगेगा, 1 वीक का, तो 52 वीक का और 1 वीक का ब्याज लगाओगे फर्स्ट एंड लास्ट में, दोनों का अगर एवरेज कर दें 52 + 1/2 तो आपका एवरेज वीक्स कितना हो गया 26.5। अगर ये वीक्स में है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 52 वीक्स इन ए ईयर, वीक्स इन ए ईयर का डिवाइड करेंगे ना कि मंथ्स का, अगर यहाँ पे मंथ्स हो तो डिवाइड करेंगे 12 का, वीक्स हो तो 52 का, डेज हो तो 365 का डिवाइड करेंगे, ताकि ये एनम में कन्वर्ट हो जाए, रेट आपकी पर एनम में, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ जी बेटा एकदम आसान है, वीक के अंदर आ जाए, डेली में भी, इवन डेली अगर ड्रॉइंग करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 365 टाइम्स ड्रॉइंग होगी, 1000 की ड्रॉइंग कर रहे हैं डेली की, तो 3,65,000 की टोटल ड्रॉइंग्स हो गई, इंटू रेट अपॉन 100 रहना है, इंटू ऊपर में आ जाएगा एवरेज डेज अपॉन 365, यानी कि मंथली क्वार्टरली वीकली डेली कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ज्यादा प्रैक्टिस मंथली और क्वार्टरली की करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर मंथली और क्वार्टरली पूछा जाएगा, डेली या वीकली पूछा नहीं जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कंसेप्चुअली अगर देखें, हमें ये अंडरस्टैंडिंग एवरेज मंथ्स अगर हमारे क्लियर है तो हम किसी भी तरह की ड्रॉइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आज हम इतना ही काम करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको वाकई में इन क्लास का जो मैं क्लासेज आपको दे रहा हूँ उनका अगर आपको वाकई में बेनिफिट लेना है तो क्लास को अच्छे से देखना और उसकी कंसेप्ट को लेना वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो होमवर्क कंप्लीट करें, और प्लस जो आपके पास जो भी बुक्स या जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उस मटेरियल से आप क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करें तो ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तब आपको लगेगा कि कितनी ग्रिप बन रही है आपकी क्वेश्चंस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो मैंने डिस्कस किया वो धीरे धीरे वॉश हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं वो आप प्रैक्टिस करके मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक करूंगा, आपको मैं आपकी गलतियां बताऊंगा। और एक और, क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करते हो तो वो खुद के लिए तो सॉल्व कर ही ले हो, लेकिन सर हम आपको सेंड करते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे बेटा एक तो ये लॉजिक है कि आपके क्वेश्चंस मैं चेक करूंगा, और दूसरा जो बच्चे गलत आंसर्स भी मुझे सेंड करेंगे मुझे उससे ये पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, कहां कहां मिस्टेक्स हो रही है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उन पॉइंट्स को जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, मैक्सिमम बच्चों को जहां पे प्रॉब्लम आती है उन पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है मैं उन जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊं, उसको आपको और एक्स्ट्रा होमवर्क दूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे सेंड करें और प्लस क्लास का फीडबैक मुझे जरूर दें, ताकि और ज्यादा हम अच्छे से लर्निंग को आगे बढ़ा सके। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अच्छे से क्लास को लर्निंग को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।